क्रैक ऐसे के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एंटीवायरस के बारे में सीखेंगे। मोबाइल पर एंटीवायरस की क्या जरूरत है, इसे कैसे इंस्टॉल करके इस्तेमाल करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। मोबाइल पर एंटीवायरस की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या जरूरत है? आजकल मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। सब कुछ तो मोबाइल पर ही होता है। हम मोबाइल पर कितने लिंक्स क्लिक करते हैं, ईमेल्स आती हैं, ऑडियो मैसेजेस और वीडियो मैसेजेस आते हैं, फोटोज आती हैं, आर्टिकल्स या बुक्स ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं। पर क्या हम सुरक्षित या सेफ तो हैं? हमें कई लोग मैसेजेस भेजते हैं, कुछ दोस्त और जानकार होते हैं, लेकिन कुछ अनजान लोग भी मैसेजेस भेजते हैं। हर अटैचमेंट या लिंक सेफ हो ये जरूरी नहीं। कुछ व्यक्ति जानबूझकर हमारे मोबाइल में वायरसेस डालकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वायरसेस, मैलवेयर या स्पाईवेयर हम पर नजर रख सकते हैं और अनचाहे सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट्स को हमारे मोबाइल्स में डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय जानकारी को भी एक्सेस कर सकते हैं और फाइनेंशियल या वित्तीय इंफॉर्मेशन को चोरी करके कहीं ट्रांसमिट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। और तो और, ये हमारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश भी कर सकते हैं। ऐसे मैलवेयर आज हैं जो हमारी एड्रेस बुक में जाकर हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स को हमारे ही नाम से कोई भी लिंक या अटैचमेंट भेज सकते हैं। कुछ ऐसे भी मैलवेयर हैं जो फोन की प्रोसेसिंग स्पीड एकदम कम कर देते हैं या कैमरा का कंट्रोल लेकर रैंडम फोटोज लेना शुरू कर देते हैं। एंटीवायरस से इन सब से बचा जा सकता है। खैर, अब बातें बहुत हो गईं, आइए अब मोबाइल पर एंटीवायरस डालना और उसे यूज करना सीख लेते हैं। मैं आपको दो मोबाइल एप्स दिखाने वाली हूँ। पहली ऐप है अवास्त। ये एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है जिसका फ्री और पेड वर्जन है। यहाँ मैं सिर्फ मुफ्त वर्जन के फीचर्स दिखाने वाली हूँ, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। आप ऊपर टाइप कर लेते हैं अवास्त। ये अवास्त ऐप आ गई, इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक किया, अब ये ऐप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो रही है। चलिए ओपन के बटन पर क्लिक किया, अब हम नीचे ये कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको बोल रहा है कि एक है ऐप शील्ड जो आपको बुरी ऐप से बचाता है, फिर है वेब शील्ड जो आपको इन्फेक्टेड वेबसाइट्स या ऐसी वेबसाइट्स जहां पर मैलवेयर है उसके बारे में चेतावनी देता है, वार्निंग देता है, और तीसरा है मैसेज शील्ड जिसमें कि जो आने वाले मैसेजेस हैं उनको भी ये स्कैन करता है। चलिए कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब वो बोल रहा है स्कैन फॉर थ्रेट्स। यहाँ पर हमारी जितनी भी एप्स हैं उन सब को ये इस समय स्कैन करेगा, तो चलिए हम रन स्कैन पर क्लिक कर देते हैं। चलिए ये स्कैन जो है ये कंप्लीट हो गया और ये बोल रहा है नो प्रॉब्लम्स डिटेक्टेड। इसका मतलब हमारे मोबाइल में कोई इस वक्त वायरस नहीं है। चलिए अब हम आई एम डन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है टू प्रॉब्लम्स, चलिए हम रिजॉल्व पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर क्योंकि मैंने अपने फ़ोन के सेटिंग्स में USB डिबगिंग एनेबल किया है, इस वजह से वो मुझे बोल रहा है कि मेरे मोबाइल को उससे खतरा हो सकता है, लेकिन ये मैंने खुद अपने आप किया है इसलिए मैं इसे छोड़ देने वाली हूँ। चलिए वापस गए लॉग में और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये ऐप शील्ड ने 71 ऐप्स को स्कैन कर दिया है। अंत में मैसेज शील्ड, ये देखिए आगे आपके कोई भी मैसेजेस आएंगे तो वो मैसेज शील्ड द्वारा स्कैन हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अननोन मैसेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अनजान लोगों से मैसेजेस आते हैं जिनमें कि वायरसेस हो सकते हैं, तो हम इसे भी एनेबल कर देते हैं। और जब
अननोन नंबर से या अनजान नंबर से अब मैसेज आएगा तो वो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। चलिए वापस गए। अब जो है हमने अवास्त एंटीवायरस अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया। दूसरी ऐप जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है CM सिक्योरिटी एंटीवायरस ऐप लॉक। सबसे पहले प्ले स्टोर पर क्लिक करके प्ले स्टोर को खोल लिया और अब ऊपर टाइप कर लेते हैं CM सिक्योरिटी एंटीवायरस ऐप लॉक और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब एक्सेप्ट पर क्लिक किया, ये ऐप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो रही है। चलिए ये इंस्टॉल हो गई, हम ओपन के बटन पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। अब वो हमसे स्कैन करने को बोल रहा है, ये बीच में स्कैन का बटन है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब वो हमारे पूरे सिस्टम को और हमारी एप्स को स्कैन कर रहा है। खास बात यह है कि ये जंक के लिए भी स्कैन करता है। जंक का क्या मतलब होता है? देखिए, ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में अक्सर बहुत सारी पुरानी डिलीटेड फाइल्स पड़ी होती हैं, तो वो उन्हें भी डिलीट कर सकता है। ये देखिए, फिलहाल मेरे मोबाइल में 500 MB से भी ज़्यादा का जंक है। चलिए ये इस बटन पर क्लिक किया और फिर ये क्लीन 547 MB पर क्लिक कर देते हैं, तो इसने मेरे मोबाइल में से जंक हटा दिया। खैर ये तो थी जंक की बात, लेकिन एक्चुअली तो ये एंटीवायरस की ऐप है। मेरे 272 ऐप्स स्कैन हो चुके हैं, 272 ऐप्स, और उसमें उसे 0 वायरस मिला है। लेकिन यहाँ पर ये कुछ प्राइवेसी इश्यूज बता रहा है, तो हम ये रिजॉल्व ऑल पर क्लिक करके अपने मोबाइल को सेफ कर देते हैं। ये देखिए, अब ये सेफ हो गया और बोल रहा है नो थ्रेट्स रिमेनिंग। तो हमने ये वाला एंटीवायरस अपने मोबाइल पर यूज़ करके अपने मोबाइल को बिल्कुल सेफ कर लिया। अब ये तो थी बात एंटीवायरस की, नॉट नाउ, बाद में आपको रेटिंग देती हूँ। लेकिन इस ऐप के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, बहुत ही यूजफुल फीचर्स हैं। यहाँ पर ऐप लॉक पर क्लिक किया और इधर आपको आपकी सारी इंस्टॉल्ड हुई ऐप्स दिखेंगी। आप एक या एक से अधिक ऐप्स को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, उनको ताला लगा सकते हैं। उसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारे जो मोबाइल हैं वो हमारे घर वाले या आसपास वाले लोग भी इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि हमारी ऐसी कोई निजी इन्फॉर्मेशन हो, कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो जो हम दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ऐसी सूरत में आप ऐप्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई और आपकी इन्फॉर्मेशन ना देख पाए। ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उसने कुछ ऐप्स जो हैं इधर सिलेक्ट करी हुई हैं, तो हम एक आध और कर देते हैं, जैसे कि स्काइप, जीमेल, और हम कर देते हैं गूगल ड्राइव। और अब जो है ये 9 ऐप्स प्रोटेक्ट हो जाएंगी, हम इस हरे रंग के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब वो आपको एक पैटर्न चुनने को बोल रहा है, लेकिन पैटर्न का क्या है अक्सर मुझे तो भूल जाता है, इसलिए मैं ये नीचे चेंज टू पिन कोड पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर अपने ऐप्स के लिए एक पिन कोड चुन लेती हूँ। चलिए 1, 2, 3, 4 चुन लिया, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया और दोबारा से वो एंटर करने को बोल रहा है। तो अब जो है ये वाली ऐप्स हमारी लॉक हो गई, हम डन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये वो ऐप्स हैं जो इस समय लॉक हो चुकी हैं। ये नीले रंग का ताला आपको इनके साथ दिख रहा है। जो ऐप्स अभी भी प्रोटेक्टेड नहीं हैं उनको आप ये ग्रे कलर के ताले के साथ देख सकते हैं। चलिए कोई ऐप खोलकर कोशिश करते हैं उसमें एंटर करने की। चलिए व्हाट्सएप खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने 1, 2, 3, 4 डाल दिया और ये देखिए अनलॉक
सक्सेसफुली अब हम अपने व्हाट्सएप में एंटर कर सकते हैं। तो ये तो थी बात ऐप लॉक। एक और बहुत ही काम का फीचर है जो इस ऐप में है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और वो है इंट्रूडर सेल्फी लॉक। यानी कि अगर आपके फ़ोन को कोई इंट्रूडर, कोई दूसरा बंदा आपके फ़ोन में घुसने की कोशिश कर रहा है या आपकी ऐप्स खोलने की कोशिश कर रहा है और वो गलत पासवर्ड डालता है, तो ऐसी हालत में ये वाली जो ऐप है ये उसकी फ़ोटो लेकर के आपको ईमेल द्वारा भेज देगी। ये हम यहाँ पर ऐप लॉक पर क्लिक करते हैं, अपना पिन कोड डाला। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है इंट्रूडर सेल्फी, इधर क्लिक किया। अब वो बोल रहा है कि अगर कोई गलत पासवर्ड डालता है तो उसकी फोटो खींच करके आपको भेज दी जाएगी। ये ऊपर चक्री सी बनी है, ये मेन्यू सा खुल गया। अब आप ये जो सबसे ऊपर है फोन इंट्रूडर सेल्फी, उस पर टिक कर दीजिए और एनेबल पर क्लिक कर दीजिए। अब एक्टिवेट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, तो अब ये फोन इंट्रूडर सेल्फी जो है ये एनेबल हो गई। ये है इनकरेक्ट कोड एंट्रीज, इधर क्लिक किया। वो पूछ रहा है कि कितनी बार अगर पासवर्ड गलत टाइप हो तो आपको सेल्फी खींच के भेजी जाए। अक्सर देखिए हमसे कई बार पासवर्ड जो है गलत टाइप हो जाता है, इसलिए 3 ठीक ही है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ इसलिए मैं फिलहाल वंस सिलेक्ट कर लेती हूँ। और ये है ईमेल द सेल्फीज, यहाँ पर देखिए अगर क्लिक किया तो आपको ईमेल भेज दी जाएगी, लेकिन ईमेल कहाँ भेजी जाएगी, ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट आपके गूगल अकाउंट से आपका ईमेल एड्रेस पकड़ लिया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे रहने दें, नहीं तो आप इस पर क्लिक करके उसे बदल भी सकते हैं। चलिए ये रहा जीमेल, जीमेल पर क्लिक किया और अब वो पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं गलत पासवर्ड डाल देती हूँ और अब देखते हैं कि ये सेल्फी लेता है या नहीं। चलिए मैं जीमेल के ईमेल में जाती हूँ और यहाँ पर देखिए ये मुझे एक ईमेल आई है CM सिक्योरिटी से और ये बोल रहा है समवन ट्राई टू स्नूप ऑन योर गूगल प्लस। आइए इसे खोल लेते हैं। ये देखिए, ये हमें इस ऐप ने फोटो लेकर भेजी है। ये एक्चुअली टेडी बियर है जो मैंने फ़ोन के सामने रखा था, इसलिए इस टेडी बियर की फ़ोटो आई है, लेकिन अगर कोई इंसान होता तो उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पर खींच के भेज दी गई होती। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपको ईमेल द्वारा इस ऐप ने बता दिया कि 20 जून को रात के 9:30 बजे ली गई और ये आपको भेज दी गई है। बहुत ही यूज़फुल फीचर है। वैसे है तो ये एंटीवायरस की ऐप, लेकिन इसमें अगर इंट्रूडर सेल्फी भी हो तो क्या बात है। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस, स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सुझाव और संदेश मुझे भेजते रहिए, मैं उन्हें रोज पढ़ती हूँ। आपके इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने सीख लिया है कि मोबाइल पर एंटीवायरस का प्रयोग कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।